आरजेसी न्यूज, हम कराएंगे आपको सच से रूबरू। मुरादाबाद विश्व हिंदू महासंघ भारत द्वारा एक ज्ञापन पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद को दिया गया। ज्ञापन में कहा गया कि प्रिंस चौधरी पुत्र अशोक कुमार निवासी ग्राम उदयवाला थाना भगतपुर जिला मुरादाबाद को भगतपुर पुलिस ने जबरन 16 मई को गिरफ्तार कर लिया था, जिसको भगतपुर पुलिस द्वारा 10 घंटे हवालात में भी रखा गया था और प्रार्थी का उत्पीड़न भी किया गया था। इतना ही नहीं, विश्व हिंदू भारत महासंघ का आरोप है कि मुरादाबाद तहसील जिलाध्यक्ष व उनके परिवार को झूठे मुकदमे में भी फंसाने की धमकी भगतपुर पुलिस द्वारा दी गई है। विश्व हिंदू महासंघ भारत निवेदन करता है कि हमारे तहसील अध्यक्ष प्रिंस चौधरी को न्याय दिया जाए, अन्यथा आने वाले दिनों में हम आंदोलन करेंगे। मैं रवि यादव हूँ, प्रदेश मीडिया प्रभारी विश्व हिंदू महासंघ से, उज्जवल योगी जी के संगठन से हूँ। हमारी जनपद मुरादाबाद तहसील अध्यक्ष श्री प्रिंस चौधरी जी, जो कि तहसील मुरादाबाद को देखते हैं, दिनांक 16/5 को बृहस्पतिवार के दिन इनके घर थाना अध्यक्ष राजेंद्र सिंह, जो भगतपुर थाने के इंचार्ज हैं, वह आए और आकर वो लेके आपसे कुछ काम है हमारे साथ चलिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं अपनी गाड़ी चलता हूँ। बोला नहीं नहीं आप हमारे साथ ही चले चलिए, हमें आपसे कुछ बात कुछ जानकारी करना है। जो भी संबंधित थाना क्षेत्र के क्षेत्र में आता है तो वह उनके साथ चले गए। जाने को उन्होंने बैठा लिया, बैठाने के बाद बोले SOG का कोई मामला है, वह आ रही है टीम और वह आपसे कुछ जानकारी करेगी। लेकिन जब मैं SOG प्रभारी से बात किया तो पता चला कि कोई भी SOG प्रभारी या कोई भी ऐसी टीम नहीं गठित की गई जो कि भगतपुर थाने में किसी क्राइम को ले रही हो। जब मैं SHO से बात किया तो पता चला कि वह एकदम सतपक आ गए, उनकी समझ में नहीं आया। बोले कुछ कैसे जानकारी हो गया, बोला अभी कोई और व्यक्ति के चक्कर में कोई दलाल लोग हैं वहाँ के, जो इस मामले को जो थाने की दलाली करते हैं, उन्होंने कहा कि 100-125 बीघा जमीन है प्रिंस चौधरी के पास, इसी मामले में इसको रख लीजिए, 5-10 लाख रुपये उसको दिला देंगे। तो यह बात बाद में सामने उन दलालों के जरिए भी सामने आई। फिर हमने उच्च अधिकारियों को इस मामले में जानकारी दी, उनका पूरा सहयोग मिला, माने SPRA साहब और SSP साहब ने पूर्ण सहयोग किया। तब कहीं जाके रात को 10 बजे जाके इनको छोड़ा गया। लगभग 11 घंटे पुलिस हिरासत में रखा गया, अपमानित किया गया और 5 लाख रुपए की इनसे मांग रखी गई, जो कि न्यायपूर्ण नहीं है। पुलिस के इस रवैये से विश्व हिंदू महासंघ अध्यक्ष और परेशान है। और जब विश्व हिंदू महासंघ, जो पूज्यवर योगी जी का संगठन है, उनके कार्यकर्ताओं को इस तरह की घटना घटित होंगी तो आम आदमी न्याय की क्या उम्मीद रख सकता है। इसीलिए आज हमने माननीय SP महोदय को ज्ञापन देकर मांग रखी है, तत्काल जो है राजेंद्र सिंह को वहाँ से उसकी सेवा समाप्त की जाए, उसको वहाँ से हटाया जाए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करता है पुलिस प्रशासन तो 24 तारीख से विश्व हिंदू महासंघ अनिश्चितकालीन धरने के लिए मजबूर होगा और यहीं कलेक्टर पर धरना लगाएगा।